संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की ओर से आयोजित 8 दिवसीय यूरोलॉजी शिविर में अब तक अमेरिका के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी, राजकोट मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र अमलानी, जेलन यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा, डॉक्टर सुनील गोकरू और उनकी टीम 107 रोगियों के जटिलतम ऑपरेशन कर चुकी है। वहीं सोमवार को 23 ऑपरेशन संपादित करने के साथ शिविर का समापन होगा। रविवार को राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल ने यूरोलॉजी शिविर का निरीक्षण कर शिविर में भर्ती रोगियों से उनकी कुशल क्षेम पूछी और डॉक्टर बदलानी से काफी देर तक चिकित्सा व्यवस्था पर गुफ्तगू की। भूपेंद्र यादव ने अस्पताल में नया ऑपरेशन थिएटर तैयार करने के लिए 50 लाख रुपए सांसद कोष से, अनीता बधेल ने 20 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की। इस पैसे से यूरोलॉजी विभाग में नया मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कराया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गोपाल बदलानी ने कहा था कि 20 साल से उसी तरह के ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, दो दशक बाद भी अस्पताल के संसाधनों में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी माननीय मंत्री जी के जो आग्रह है, क्योंकि अजमेर के लिए वो लगी हुई हैं, हमने ये तय किया है कि संसदीय कोष से हम 50 लाख रुपए इस बिल्डिंग के विस्तार के लिए देंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम बाकी भी सांसद विधायकों से आग्रह करके हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये जो डॉक्टर बिदलानी जिस प्रकार से सेवा का संकल्प लेके काम करते हैं, जिस प्रकार से मरीज यहाँ पे आते हैं, इसके एक्सटेंशन की आवश्यकता है, तो इसको हम तुरंत कार्यवाही को पूरा करेंगे। हर वर्ष ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशंस करते हैं जो यहाँ संभव नहीं होते हैं, तो हम उनकी श्रद्धा को पहले तो सलाम करते हैं। अभी जब इस पूरे शिविर का दौरा हुआ तो उस समय उन्होंने कहा कि इसको एक्सटेंशन की आवश्यकता है और माननीय हमारे जो सांसद है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसके लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की है। मेरे द्वारा भी 20 लाख रुपये की घोषणा हुई है। कल मंडे है, कल उनको ये पत्र मिल जाएगा ताकि ऊपर जो भवन बनना है जिसकी अत्यंत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो पाएगी। शिविर में आज डॉक्टर गोपाल बदलानी से मुलाकात करने व शिविर का अवलोकन करने राज्यसभा के सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव भी यहाँ पधारे और सभी रोगियों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम भी पूछी और उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करी। उन्होंने डॉक्टर गोपाल बदलानी से भी विशिष्ट रूप से अलग से विस्तृत चर्चा करी इस शिविरों के बारे में एवं किस तरह की चिकित्सा सुविधाएं वे यहाँ चाहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो श्री भूपेंद्र यादव ने डॉक्टर गोपाल बदलानी से बात की। डॉक्टर गोपाल बदलानी और उनकी टीम ने शनिवार रात सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाजिरी देकर दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। डॉक्टर बदलानी स्वामी समूह के CMD कंवर प्रकाश कृष्णानी के साथ अपनी टीम को लेकर शनिवार रात दरगाह पहुंचे, जहां सूफी मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष जुल्फिकार चिश्ती ने डॉक्टर बदलानी और उनकी टीम का निजाम गेट पर स्वागत किया। इसके बाद आस्थाना मामूल होने के बाद भी डॉक्टर बदलानी और उनकी टीम ने बरामदे में बैठकर दुआ की। इस मौके पर अंजुमन सैयद जादगान के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन अंगार शाह सहित अन्य पदाधिकारियों ने दल में शामिल सभी लोगों की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। अमेरिका के डॉक्टर साहब, डॉक्टर बदलानी साहब, इनकी पूरी टीम आका गरीब नवाज के दरबार में आई, उनको हाजिरी दी गई। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव हाजी सैयद वाहिद हुसैन साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन सैयद जादगान के मुसाविर मौली साहब, बाकी सब अंजुमन के सदर वगैरह सब ने इनका इस्तकबाल करा, उनको हार पहनाया गया। आका गरीब नवाज में इनके लिए दुआ की गई और इनका अल्लाह पाक इनके हाथ में और शफा दे ताकि और मरीजों का इलाज आका गरीब नवाज के दरबार में आकर कर सके, ताकि अब अजमेर के जो भी लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनका फ्री इलाज इनके द्वारा किया जाता है, इनकी पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। इनके हाथ में शफा हो, इनकी पूरी टीम के लिए आका गरीब नवाज के दरबार में दुआ की गई।